हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोनवा टाइम्स पुणे। दिस इज़ राहिल, योर होस्ट। सो द रीज़न व्हाई आई एम लाइव टुडे इज़ जस्ट वांटेड टू शेयर सम माइनर अपडेट्स अबाउट द रीसेंट लॉकडाउन ऑर्डर। सो द पीडीएफ फाइल दैट वी हैव रिसीव्ड इज़ इन मराठी, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सम बेसिक पॉइंट्स आउट ऑफ दैट, सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर यू गाइस जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन। कैन यू हियर मी नाउ? एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग सुन पा रहे हो? नो वॉइस। लेट मी चेक। कैन यू हियर मी नाउ? आई ट्राई टू चेक ऑन माई अदर फोन। हेलो हेलो, कैन यू गाइज हियर मी नाउ? या सो द वॉल्यूम इज़ लो बिकॉज आई डोंट हैव माई माइक विद मी राइट नाउ बिकॉज माई फोन्स बैटरी इज़ लो, सो आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल लाउडर। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द रीसेंट लॉकडाउन ऑर्डर। सो देर वॉज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट इट। सम पीपल, यस प्राजक्ता, आई वुड हैव यूज माई ईयरफोन्स बट आई एम यूजिंग एन आईफोन, सो माई चार्जर इज़ कनेक्टेड देर। बिकॉज माई बैटरी इज़ लो, सो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द माइक एट द सेम स्लॉट। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट द लॉकडाउन ऑर्डर्स। सम पीपल थॉट दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13th मिडनाइट, इवन वी थॉट द सेम, बट एज पर द ऑर्डर्स फ्रॉम द पीएमसी, द लॉकडाउन इज स्टार्टिंग ऑन द 14th, नॉट 13th। सो इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 14th एंड इट विल बी एंडिंग ऑन द 23rd ऑफ जुलाई एज पर दिस फाइल दैट पीएमसी हैज़ शेयर्ड। सो बेसिकली आई विल ट्राई टू मिक्स माई लैंग्वेज, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल बिकॉज सम पीपल माइट अंडरस्टैंड दैट ईजिली। सो किराना शॉप्स, लाइक ऑल दी किराना शॉप्स एंड ऑल दी शॉप्स दैट सेल एसेंशियल गुड्स, फ्रॉम द 14th until the 18th it will be closed completely across Pune, and after that from the 19th of July onwards until the 23rd of July they will be allowed to operate at a limited time, that is from morning 8 a.m. till afternoon 12 p.m. So that is the time that all the shops for essential goods would be allowed to operate. Now, all the public gatherings, morning walks, evening walks, everything is prohibited. So, जो भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और जो भी एक्सरसाइजेस के लिए जो भी लोग बाहर जा सकते थे अभी, तो वो सब भी बंद रहेगा एटलीस्ट अंटिल द 23rd। एंड रेस्ट रूम्स, बार, लॉजेस, होटेल्स, एवरीथिंग वुड बी क्लोज्ड। मॉल्स, शॉपिंग मार्केट एंड एवरीथिंग वुड बी क्लोज्ड एज वेल। एंड वन मोर थिंग, रिसेंटली सैलॉन्स एंड पार्लर्स वर ओपन, सो सैडली दैट विल बी क्लोज्ड एज वेल फॉर द एंटायर लॉकडाउन पीरियड। भाजी मार्केट, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स एंड एवरीथिंग विल बी शट कम्प्लीटली फ्रॉम द 14th ऑफ जुलाई अंटिल द 18th ऑफ जुलाई। आफ्टर दैट फ्रॉम द 19th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स दे वुड बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम 8 a.m. टिल 12 p.m. इन द आफ्टरनून।
So mutton, chicken, eggs, and all non-veg items. That will be banned from the 14th of July until the 18th of July. After that, once again from the 19th of July until the 23rd of July, they would be allowed to operate from 8 a.m. till 12 p.m. Schools, universities, and all the educational institutions, everything would be completely shut until the entire lockdown period. So, traveling would be prohibited, even if you are doing it on cycle, two-wheelers, and four-wheelers. It will be restricted completely. तो इसका मतलब है कि आप लोग टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और जहाँ तक कि साइकिल पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली बंद होगा आपका जो भी ट्रैवलिंग है। और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ट्रैवलिंग अलाउड है, बट यू नीड टू हैव अ वैलिड पास फॉर दैट। इफ एनी कॉप्स कैच यू वायलेटिंग दीज रूल्स, सो एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग सेक्शन 188 एंड सम अदर सेक्शंस। सो अक्रॉस द सिटी बस सर्विस, ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर, ट्रैक्टर एक्सेट्रा वुड बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी बांधकाम जहाँ पे भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होंगे वो भी कंप्लीटली बंद रहेगा। थिएटर्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा विल बी क्लोज्ड एज वेल। वेडिंग हॉल्स एंड अदर हॉल्स वेयर पीपल गैदर, दैट विल बी ब्लॉक्ड एज वेल। और जिन लोगों ने शादी और वगैरह के लिए पहले से परमिशन ले रखा है, उनकी परमिशन वैलिड होगी, बट दे वुड ओनली बी अलाउड टू गो अहेड विद दैट विद ओनली 20 पीपल, नॉट एक्सीडिंग मोर देन दैट। सो द नेक्स्ट पॉइंट सेज पुणे शहरातील सर्व खाजगी कार्यालय बंद राहतील। सो द ऑफिसेज वुड बी शट। ई कॉमर्स सर्विसेज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट will be blocked completely from the 14th of July until the 18th of July. After that, from the 19th of July onwards, it will be resumed one more time. So milk services would be active. So they are not blocking milk supply. All hospitals would be open as well. Medical shops would be open. Online medicines would be available if you are ordering online. So for companies, they have requested that the companies should focus on work from home and they should only operate with around 10% workforce, not more than that. Petrol pump and gas pumps would be open from morning 9 till afternoon 2 p.m. But they've also mentioned a clause in that only people with essential ID cards or people who work with essential services will only be allowed to get petrol. LPG gas service would still be active. Newspapers, digital media, print, and everything would be open. And the time that they have allotted for the delivery of newspapers would only be from morning 6 till 9 a.m. After that, it will not be allowed. Tankers would be allowed.
COVID care centers and all the other essential and medical related services would be allowed to operate. So across the entire Pune, only people with essential services, media people, people who work in the medical field and doctors, etc., people who work with the government, they are allowed to travel, but they can only travel alone. And also to do that, they need to get prior permission from the government or the police. Anyone else who would be caught during the entire lockdown period, their vehicles would be seized. So आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो जब्त हो जाएगी और आप पे सेक्शन 188 और दूसरे सेक्शंस के तहत कार्रवाई होगी. सो आईटी कंपनीज दे हैव आस्क्ड देम टू दे कैन वर्क बट ओनली विद 15% स्टाफिंग. रेस्ट एवरीवन हैज टू वर्क फ्रॉम होम. सो वैद्यकीय व्यावसायिक परिचारिका पैरामेडिकल ऑफिसर्स सफाई कर्मचारी एंड एम्बुलेंस ये सब लोगों को अलाउड होगा. सो गाइज आई नो दैट यू गाइज आर कमेंटिंग अबाउट थिंग्स बट वन बाय वन आई विल डेफिनेटली कवर ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशनड ओवर हियर. सो एसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिकल्स कैन बी डिलीवर्ड एट होम इफ द शॉप्स आर डूइंग दैट. दैट कैन ओनली हैपन बिटवीन 8 AM टिल 10 PM इन द नाइट एंड दे ऑल्सो नीड टू गेट परमिशन फॉर दैट. इफ दे गेट परमिटेड दे कैन डिलीवर स्टफ्स एट होम. सो सीनियर सिटीजन्स पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ ओल्ड हु हैव डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर आस्थमा एंड एनी अदर डिजीज और डिसऑर्डर दे विल ओनली बी अलाउड टू गो आउट इन केस ऑफ एमरजेंसीज अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड. पीपल हु वुड बी रोमिंग विदाउट एनी रीज़न बिना कारण जो भी लोग गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे उनकी सबसे पहले गाड़ी जब्त होगी और जो भी कलम है जो कायदे है उसके अनुसार कार्रवाई होगी. सेक्शन 188 एंड कंपल्सरीली इवन इफ यू आर गोइंग आउट इन फॉर्म ऑफ एनी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर यू हैव टू वेयर मास्क ऑलवेज. इफ यू स्पिट ऑन द रोड और इफ यू आर फाउंड विदाउट यूजिंग द मास्क देर वुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन दैट विल बी टेकन. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट सोशल गैदरिंग्स आर अवॉइडेड. यू आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट दैट एट एनी फॉर्म. You have to keep 2 feet distance from everywhere. Someone was asking me about the banks. I will quickly check about that as well. And to apply for a pass, you need to apply on www.punepolice.in. And you have to give them all accurate information. Okay. So all nationalized banks and banks that are approved by the RBI will be allowed to operate with limited staffing. ATMs and online services would be active. So what I'll do is I will also publish a copy of this on the page. The reason why I did this video was because many they have difficulties in understanding Marathi. So that is the reason I did this video. So even if you haven't watched this video, you can watch this.
In case if you have any doubts, I would be publishing the orders from the PMC. I would be posting it on the page. You can read all the updates from there. And as soon as I get any more updates on this, I will definitely keep you guys updated. So stay safe and please support the government and the police. Don't create any kind of hassle. Yes, you can visit hospital for checkup. So thank you very much for watching this. Please share this information if you find it helpful. Regarding the copies of this, I would be pasting this on the page. You can have a look at that. So thank you guys and take care of yourself.